109 पुरुष और 38 महिलाओं ने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान किया। आप सोचेंगे इसमें खास क्या है, तो अनोखी बात पिंडदान नहीं बल्कि ये जगह है। दरअसल ये कोई धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जेल का नजारा है। ये है महाकाल की नगरी उज्जैन का भैरवगढ़ का सेंट्रल जेल, जहां कैदियों ने सामूहिक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंडित श्याम पंचोली ने बताया कि इस बार बिहार के गया जी तीर्थ की एक फोटो स्क्रीन पर दिखाई गई और उन स्थानों का महत्व बताया गया। पूजन और तर्पण का कार्य किया गया जिससे कैदियों को गया जी तीर्थ के दर्शन जैसा फल मिल सके। आज केंद्रीय जेल में बंदियों के धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत महालय महाश्राद्ध में पितरों को बंदी अपने पितरों के निमित्तार्थ आकर के विधि पूर्वक पूजन सम्पन्न यहाँ कर रहे हैं। इस बार हमने गया जी तीर्थ के तुल्य इस स्थान पर पूरी व्यवस्थाएं बनाई हैं। वहां से जल, मिट्टी इत्यादि को मंगवा करके सभी के सम्मुख रखवा करके और वहां के विष्णुपदी और अक्षयवट इत्यादि के चल चित्र के माध्यम से दर्शन करवाते हुए इस पूजन को यहां पर संपन्न हम करवा रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट का धन्यवाद कि उन्होंने जेल में इस कार्यक्रम को करवाया। ये शब्द है जेल में बंद कैदी नरेंद्र सिंह के। कैदी ने इस बारे में और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्रीमान जेल अधीक्षक महोदय का हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने श्राद्ध पक्ष को देखते हुए हमारे पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। किसी कारणवश हम हमारे घर को नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने यहीं पे कार्यक्रम रख के हमारे पितरों को हमारे द्वारा शांति प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और समय समय पे हमारा अच्छा सहयोग एवं मार्गदर्शन करते हैं। सभी धार्मिक एवं रुचित्मक कार्यक्रमों के लिए उनका हमेशा हमारे प्रति सहयोग अच्छा रहा है और रहता है। जेल सुपरिटेंडेंट मनोज साहू ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना है कि सामूहिक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम इस साल नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हो रहा है। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्रीय उज्जैन में पारंपरिक रूप से पिछले साल भी तर्पण की कार्रवाई हुई थी। इस बार भी हमारे पंडित जी श्याम पंचोली जी है, वो तर्पण कराने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके द्वारा निवेदन किया और फिर हमने बंदियों के हितार्थ, क्योंकि पूर्वजनों के लिए ही श्राद्ध किया जाता है, उनकी शांति, आत्मा की शांति के लिए, तो हमारे कम से कम 147 बंदियों ने तर्पण की कार्रवाई की। हमारे पुरुष बंदी लगभग 109 हैं और महिला बंदी 38 हैं, जिन्होंने तर्पण किया है और अपने पूर्वजनों को आत्मा की शांति के लिए काम किया। जेल सुपरिटेंडेंट की परमिशन के बाद पंडित श्याम पंचोली ने सामूहिक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करवाया। ये बेहद सराहनीय है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल टीम।